ये नज़ारा देखने के लिए हम भाग भाग के आए हैं दोनों। इसके ट्रेलर से पता लग रहा है कि मैं पूरी मूवी स्टोरी मुझे पता है। मुंह बना लो पहले व्लॉग में, मैं नहीं देती। आ गई हमारी सफारी, पतला हो गया, दिखाऊंगी दिखाऊंगी कुछ भी हो जाए। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आयरा सिंह रावत और मैं आ गई हूँ वापस मुंबई और हम निकल चुके हैं मैं और श्रेया जिम जाने के लिए। तो मस्त सुबह सुबह हवा लेते हुए निकल गए जिम, फिर जाते हमने प्रॉपर वर्कआउट किया, फिर स्ट्रेचिंग की दोनों ने, एंड देन लास्ट में मैंने की अपनी बैक की एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने के बाद हम लोग निकल गए थे सीधा। वर्कआउट इज डन और अभी हम लोग जाएंगे घर। आई टेक शावर एंड हैव माय लंच एंड उसके बाद आज हमें जाना है। हेलो गाइस, शावर डन। नो नो, मैं शावर लूंगी एंड देन हम कहाँ जाएंगे? तिरुमला वे गोइंग नो, एंड देन हम जाएंगे तिरुमला। गाइस इस बार तो मैं पतला होकर दिखाऊंगी दिखाऊंगी कुछ भी हो जाए। पिछले एक साल से मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ, इस साल तो मैं कह रही हूँ मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगी। गाइस मैं बस बता रही हूँ, ट्रस्ट में मैं बताई होगी। हाँ सच में मैंने काम मना किया है, इंदौर वाला बताया था ना तुझे। मेरा 2 महीने काम था बाहर लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं मेरी हेल्थ पहले है, मुझे पतला होना है। तो यस, आ गई है हमारी सफारी 2 सीटर। सफारी नहीं, सॉरी गाइस, फरारी। सफारी में तो बहुत लोग बैठते हैं, सॉरी हो गया, चलो आज का इतना ही। जो डेली का हम किराया बचा रहे हैं ना, जब से श्रेया की स्कूटी आई है, ये एक अलग फीलिंग होती है गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ। वरना सुबह उठते ही नींद खुले और पैसा देना शुरू कर दो। जिम से आते हुए हमें इतना ट्रैफिक मिलता है, वेट गाइस आई विल शो यू। मुंबई में ना आधा टाइम तो हमारा यही वेस्ट हो जाता है जिम से आने जाने में। मैं सोच रही हूँ जिम ओपन कर लेते हैं, क्या बोलती है? अपने घर पे ही ना। फाइनली ट्रैफिक खुल गया, चलो श्रेया हमें वहां से यहाँ ले आई स्मार्ट गर्ल, क्योंकि हमें जाना है लेफ्ट। अबे बहन कहीं और मत घुसा प्लीज। माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, उपमा, ब्लैक ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस है और ये बना है बहुत ही यम्मी। डन। सो हम निकल चुके हैं मूवी देखने के लिए। मुंह बना लो पहले व्लॉग में, मैं नहीं ले रही आज आपको पूरे व्लॉग में। निकलो, हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। जुहू पीवीआर भैया क्या? हाँ हाँ हाँ, यही है रोहन के नाम से जो बुक है। चलिए भैया वापस घुमा लीजिए जल्दी से, पता लगा मूवी निकल गई, इनकी वजह से लेट हो गए हम। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं ऐसे ऑटो में जाने में ऐसे। ओ यहाँ भी खोद दिया इसको पूरी मुंबई। ये देखो मैंने बोला था ना आने से पहले व्लॉग में कि मुंबई ऐसे देख लो, मुंबई ऐसी है। ये देखो मुंबई अच्छी है मुंबई, ये मुंबई ये देख लो आप, देख लो ये है मुंबई। जो मैं कहता हूँ तुमसे मुंबई इतनी बुरी है, मुंबई अच्छी है। रुको एक आगे भी रुको, रेनोवेशन हो रहा है पूरी मुंबई का। ये देखो ये देखो ये मुंबई है, देख लो लोगों की गर्दन दुखेगी। जैसा बोला था वैसे निकली ना मुंबई, देख लो मुंबई बहुत अच्छी है। ठीक है एक ना घुमाने लेके जा रही हूँ, मुंबई ऐसी है। हम लोग जा रहे हैं, अच्छा मैं बता तो चुकी हूँ, हम लोगों को देख रही है क्या नाम है इसका, वो वाली मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें कृति सैनन रोबोट होती है। मुझे ऐसा लग रहा है उसके ट्रेलर से ना, मेरा फ्रेंड है। अच्छा ऐसा वाला, पर मेरी पूरी बात सुनो। वो मुझे ना उसके ट्रेलर से पता लग रहा है कि मैं पूरी मूवी स्टोरी मुझे पता है, हम देख नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। क्यों यार, चल देखते हैं बाकी, वन टाइम ऑफ होएगी ना, ब्लॉग बंद करो तुम लोग बता रुको। ये आ गई क्लीन सड़क, आराम से जाओ। अब इससे निकले तो थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, डचकी से निकले तो, बट देखो जुहू कब तक पहुंचते हैं। भैया कितना टाइम दिखा रहा है जुहू पहुंचने का? 10 मिनट दिखा रहा है जुहू पहुंचने का, दो दो फोन चल रहे हैं। कितने का बताओ जल्दी? 200 का दो क्लासिक आपका 170। अच्छा 100 रुपए से सस्ता कुछ है नीचे बैठने का? कोई कम पैसा नहीं बताओ रो जल्दी ले लो। क्या नाम है? तेरी बातों में ऐसा उलझा, इसका नाम ही है कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उलझा दिया, दिया जिया है जिया। रोज रोज टिकट बेच रहे हो, आपको नाम याद नहीं है? मूवी के लिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे टिकट बेच रहे हैं भैया उनको ही नाम याद नहीं है कि मूवी का नाम क्या है। बहुत अजीब नाम रखा है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये गाना या मूवी यही समझ नहीं आ रहा।
तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। हमारे जुहू के पीवीआर थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ, हमने इस तरफ से एंट्री की है और फटाफट चलते हैं, हमारे पास बच्चे हैं 2 मिनट। रो 2 मिनट बचे ना। पूछा आपने किसी से किस तरफ जाना है? अच्छा ठीक है ठीक है, लेट्स गो। चलो थैंक यू। वॉशरूम? हाँ पाओ। ये ओ भूत शैतान, क्योंकि शैतान का जो हमने बाहर देखा उसका ट्रेलर है ये। मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? मतलब अच्छी तो अच्छी बन सकती थी, बहुत बोरिंग हो गई थी। एक और पंच पे हंसी आ रही थी, उससे ज्यादा पंच रोहन मार रहे थे। ओ देखो वाओ, ये है जुहू का मतलब बच्चों के लिए क्रिकेट स्टेडियम, राइट? रोहू मैं आ रही हूँ, अरे छोड़ के तो मत जाओ रोहू। आज मैं रोहन को ट्राई कराने वाली हूँ वड़ा पाव, बिकॉज उसका बहुत मन था। जब मतलब लाइक जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने बोला कि मुझे वड़ा पाव खाना है, बट मैंने बोला कि नहीं आज नहीं, मतलब एक दो दिन रुक जाओ। तो मैंने बोला तो था, हमें बीच में से तो नहीं जाना था कहीं से। सच में मैं इतना ऊपर से उतर के आ गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने इसलिए बोला था ऊपर से ही चलो, जब तो नहीं। So I'm trying Dyson का हेयर कर्लर टुडे एंड आई शो यू। अभी तो मेरे बाल स्ट्रेट लग रहे हैं एंड इसके बाद कैसे लगते हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सनसेट सिल्वर बीच के, क्योंकि रोहन को बहुत मन है। सो वी आर गोइंग देयर और आपको दिखाते हैं। सिल्वर बीच बहुत सुंदर है। हम लोग जुहू के बीच से, मतलब बीच से नहीं, जुहू के बीच के किसी पार्ट से वॉक करते हुए जा रहे हैं। और मुंबई में इतनी अच्छी जगह भी है। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ, इससे थोड़ा दूर, मतलब लाइक जहाँ से हम जा रहे हैं जिस बीच पे हम बैठेंगे वहीं पे अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का घर भी है। तो वो सबसे ब्यूटीफुल बीच है बेसिकली ना, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है। पूरी मूवी में मैं हंसने का वेट कर रहे थे कि अब पंच आएगा, अब पंच आएगा, अब हंसी आए, अब हंसी आए, अब मजा आएगा गाइस। लेकिन सच बता रही हूँ मैं, जैसे ट्रेलर में दिखाया था ना वो सच में लाइक कुछ कुछ भी नहीं लगा। आपका क्या रिव्यू है? नहीं ना, बन सकती थी मूवी, अच्छी थी पर इतने उसको इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया जैसे दिखाया। मजा नहीं आया। हम लोग पहुंच गए हैं सिल्वर बीच और यहीं से आप देख सकते हो कि कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल इसका लुक है। लास्ट टाइम मैं मम्मी को लेकर आई थी और इस टाइम रोहन को, आप देखिए म्यूजिक के साथ। ब्यूटीफुल सनसेट, वाओ। सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए हम भाग भाग के आए हैं दोनों, कि हमें ये कैप्चर करना था आज। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखो वहां पे मिल रहा है बैठना, वो मिल रहा है वहां पे, 10 रुपीज में मिलेगा। अब रात हो गई ना। इसके बाद हम लोग गए सीधा घर, हमने शार लिया और फिर आए हम वड़ा पाव खाने। रोहन को मैंने वड़ा पाव ट्राई किया, यहाँ का फेमस है, और उसके बाद हम घर गए। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।